नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दो दिग्गज कंपनी के बारे में। दोनों ही नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और दोनों ही नेचुरल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो दोनों के नाम आप पहले देख चुके हैं, एक है MGL महानगर गैस लिमिटेड, दूसरा है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो दोनों कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि दोनों कंपनी के ऊपर आज के दिन 5% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला। इस गिरावट के पीछे कारण कौन सा है, और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया है, सर इस दोनों स्टॉक में कितना और गिरावट देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा क्योंकि एक जो सपोर्ट जोन था और उस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है, मुझे लगता है और भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो चलो उसी के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर देना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, दोनों कंपनी का चार्ट पैटर्न सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे देखिए, MGL जो महानगर गैस लिमिटेड है वो भी एक नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और इस कंपनी के देखिए आज के दिन करीबन 5.5% तक गिरावट देखने को मिला। तो एक गैप डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद देखिए किस तरीके से शार्प फॉल देखने को मिला। तो सेम टू सेम यहाँ पे IGL के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए 5% तक गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखिए गैप डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद और भी फॉल आउट देखने को मिला। तो यहाँ पे दोनों कंपनी के आज के दिन गिरावट के पीछे कारण कौन सा है, देखिए कारण में सबसे पहले मैं कारण के ऊपर चला जाता हूँ। तो देखिए दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड, इसके ऊपर आप आ चुका हो तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर जाकर आप पूरे डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, तो जाकर आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से जो बात बता रहा है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जितने सारे है, और यहाँ पे देख सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर शेयर ट्रेड वीक एंड IGL MGL गुजरात गैस डाउन अप टू 6%। तो सिर्फ IGL MGL गिरा नहीं, साथ ही साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी जितने सारे गैस कंपनीज है जैसे गुजरात गैस, वो भी गिरावट हुआ है 6% तक। तो आप उसका भी चार्ट पैटर्न देख लीजिए, देखिए यहाँ पे तो 6% तक गिरावट देखने को मिला। तो इस तीनों कंपनीज की गिरावट के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो रीजन है एक्चुअली देखा जाए तो इस कंपनी ने ये जो तीनों कंपनी है उसके जो गैस का जो प्राइस है उसको बढ़ाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्या बता रहा है कि 6% गिरावट के पीछे जो मेन रीजन है वो है गैस का प्राइस इंक्रीज। यहाँ पे देखिए शेयर ऑफ सिटी गैस एंड डिस्ट्रीब्यूटर मतलब CGD एंड यहाँ पे देखिए कंपनीज वेयर अंडर प्रेशर इन द अदरवाइज फार्म मार्केट यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ वीक अर्निंग। तो कौन सा इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस और गुजरात गैस। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने क्या किया, इस तीनों गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया क्योंकि गैस का जो प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं। तो देखिए गैस का जो मतलब जो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट है वो बढ़ने वाला है। देखिए अगर रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट अगर बढ़ जाते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका गैस का प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, जिस तरीके से नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में, तो उसकी हिसाब से अगर इस टाइप कंपनी और भी दाम बढ़ा दे तो उसका जो सेल्स का रिपोर्ट है वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि एक सिंपल कैलकुलेशन आप सोच लीजिए, देखिए ऑयल का जरूर होगा मान के चलिए ऑयल का प्राइस अभी 115 से 120 रुपये इस प्राइस का, किसी किसी जगह पे अलग अलग है, चलो मैं मान लेता हूँ 115 रुपीज का ऑयल का प्राइस है। तो और एक सिलेंडर का प्राइस है गैस का सिलेंडर करीबन 1100, चलो ये भी मान लेता हूँ। तो अभी कितना था, 900 रुपीज था, उसको बढ़ा के 1000 रुपीज किया गया था, अभी कितना हो गया 1100। इसका मतलब दिन के दिन गैस का प्राइस बढ़ रहा है, ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रहा है। तो महंगाई जितना बढ़ेगा तो उतना ही क्या होगा, सेल्स डाउन हो जाएगा। क्योंकि लोग देखिए लोगों का पास उतना पैसा नहीं है, लोग इंडियन के मतलब इंडिया के जो एवरेज अर्निंग रेशियो है मतलब मंथली जो अर्निंग एवरेज रेशियो है वो 5 से 6 हजार रुपया है। तो उस प्राइस रेंज में लोग कैसे इस तरीके से ऑयल को खरीदारी करेंगे, साथ ही साथ गैस को खरीदारी करेंगे, तो ज्यादातर सेल्स डाउन हो जाएगा। लोग मतलब ज्यादातर माल खरीदारी नहीं करेंगे,
तो इसीलिए सेल्स डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया, उन्होंने जो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट है वो बढ़ाने का फैसला लिया। तो इस एक फैसले ने ही कंपनी के ज्यादातर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि देखिए वो अगर और भी दाम बढ़ाते हैं तो इसका भी गैस का दाम और भी बढ़ाना पड़ेगा, तो सेल्स और भी डाउन हो जाएगा। तो आप इस चीज को ठंडे दिमाग में सोचेंगे तो आपको सारे के सारे पैरामीटर्स अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तीनों जो कंपनी है इसके ऊपर किस तरीके से हालत आपको देखने को मिला। अभी जो यहाँ पे जो तीन कंपनी है, जो गुजरात गैस है और साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ गैस है और साथ ही साथ महानगर गैस है, इस तीनों कंपनी के बारे में बात करूं तो तीनों कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, आप एक बार मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो महानगर गैस का चार्ट पैटर्न मुझे उतना खास नहीं लगा। साथ ही साथ कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है तो वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगा ही। तो कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं 7070 करोड़ का, और कंपनी का हाई हुआ था कितना 1200 और इसका लो था 680 रुपीज, और अभी कितना चला है 781 रुपीज। इसका मतलब लो के नजदीक है कंपनी। और सेम टू सेम अगर गुजरात गैस के बारे में बात करूं तो ये एक लार्ज कैप कंपनी जरूर है, 33,000 इसका चार्ट पैटर्न आपको अच्छा खासा दिखेगा, अपटेन जैसा कंपनी का परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ इसका टोटल जो हाई था 786 और इसका लो कितना था 478, तो कंपनी देखा जाए तो 52 के हाई के नजदीकी है और अराउंड 52 के हाई के नजदीकी कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। तो तीसरी जो कंपनी है वो है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो इसका भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है 25,000 करोड़ का, और इस कंपनी का ट्रेंड देखिए टोटली अपट्रेंड है, मगर बहुत दिनों तक इस कंपनी में भारी गिरावट देखने को मिला, करीबन 40% तक गिरावट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो क्या अभी इस कंपनी और भी गिरावट हो सकते हैं, तो चलो एक बार चार्ट पैटर्न भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ MGL का चार्ट पैटर्न। आप MGL का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए किस तरीके से शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो शार्प फॉल जो हुआ है, मैं आपको बता था कि एक यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को कंपनी ने टच किया, फिर से देखिए रीबैक किया था, मगर यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आपको ड्रैग करके दिया, ये एक रेजिस्टेंट के तरीके से काम किया, और यहाँ पे रेजिस्टेंट कौन सा बना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और साथ ही साथ यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक दो सपोर्ट जोन है, तो इस सपोर्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंट बन के आया। देखिए इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, और वो भी देखिए जो वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ वो वॉल्यूम उतना स्ट्रांग नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे फिर से जो लो लेवल में है इस लेवल तक पहले टच करेगा, उसके बाद दूसरा लेवल तक टच कर सकते हैं। अगर इस लेवल ब्रेक हो जाता है तो और भी बहुत बड़ा गिरावट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद सपोर्ट जोन यहाँ पे आमने सामने नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए। तो दूसरा जो है वो है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इसका भी चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट है, और एक स्ट्रांग सपोर्ट के नजदीकी काम कर रहा है। देखिए जो वॉल्यूम हो रहा है तो वो सपोर्ट ही नजदीक में टच कर रहे हैं, मतलब बहुत बार सपोर्ट जोन को टच किया और उसको फिर से रीबैक करने का कोशिश किया, मगर आज के दिन उस लेवल को भी ब्रेकआउट किया। अगर यहाँ पे क्लोजिंग लो लेवल के नीचे होता है तो मुझे लगता है सेकंड जो लेवल होगा वो इस लेवल तक आ सकते हैं, मतलब 320 रुपीज तक आ सकते हैं। फिर भी देखिए यहाँ पे कोई आपको ट्रेडिंग के नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए मैं कोई नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि आपका स्टॉक अगर खरीदारी करके रखे है तो कौन सा लेवल तक जा सकते हैं और कौन सा लेवल से रीबैक कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक लेवल दिखा रहा हूँ। तो अभी क्वेश्चन आ जाएगा सर क्या इस दोनों कंपनी से निकल जाए, तो देखिए मेरे कहने का मतलब है MGL जो है वो टोटली रिस्की गेम है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कहूंगा आप इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीद के रखे हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से मतलब कंट्रोल करिए, और मैं इसके ऊपर कोई भी आपको रिकमेंडेशन और कोई भी आपको मैं पॉजिटिविटी होने के बाद भी उतना ज्यादा खास इस कंपनी को नहीं कहूंगा। हाँ, आपको आप गुजरात गैस के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं तो इसमें ज्यादातर पॉजिटिविटी और मतलब आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ IGL के ऊपर आप इन्वेस्ट करके रखे हैं तो इसके ऊपर भी आप बने रह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक जबरदस्त कंपनी है। तो ये था तीन कंपनी, और तीन कंपनी का रिपोर्ट आपके सामने रख चुका हूँ, और फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ और चार्ट पैटर्न के बारे में भी बता चुका हूँ।
और गुजरात गैस के भी चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे आपको देखने को मिला, तो यहाँ पे भी सपोर्ट है और आज के दिन भी सपोर्ट देखने को मिला। तो अगर इस सपोर्ट लेवल ब्रेक करते हैं तो एक शार्प फॉल आपको दिखेगा, और यहाँ पे जो गैप डाउन है, यहाँ पे जो एक एक लेवल फिर से यहाँ पे बना हुआ है, तो इस लेवल तक आ सकते हैं, इस लेवल तक आ सकते हैं। तो देखा जाए कितना गिरेगा, कितना फिर से उठेगा, तो वो तो बाद में आपको पता चलेगा। तो मेरे फिलहाल के लिए इस तीनों कंपनी के डिटेल्स में आपके सामने रख चुका हूँ, तो आशा करता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, और जाने से पहले जरूर कहूंगा अभी तक इंटरडे लेवल ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं किया हो तो जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इंटरडे लेवल का बेस्ट बेस्ट से बेस्ट कॉल आपको मिलेगा। और अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया, डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कुछ भी नहीं, आप जाकर एक बार अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।